राजीव की बेटी विनीता घोष सकुशल इजराइल से घर वापस लौट आई है। ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार द्वारा एयरलिफ्ट कर लाई गई टीम का विनीता हिस्सा थी। विनीता को रिसीव करने विनीता के परिवार और रांची से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहनवाज। और इनको रिसीव करने के लिए आप देखें राज्यसभा सांसद महुआ मांझी यहाँ पर आई। मैडम ये बहुत ही भावुक क्षण है एक बच्ची के लिए। हाँ, ये कई दिन से इतना टेंशन में थी। इसके पेरेंट्स को बार बार मैं उनसे बात भी कर रही थी, एक्सटर्नल अफेयर को कवर कर रही थी, इसका पूरा डिटेल भेज रही थी और उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे कैसे मेल करना है क्या करना है वो सारा फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने कराया और जैसे भी करके वो घर पहुंची है। ये हम लोगों के लिए पूरे झारखंड के लिए फख्र का विषय है। विनीता घोष के पिताजी से भी हम लोगों ने बात की है, उन्होंने भी धन्यवाद दिया है रांची की जनता का कि इतना मॉरल सपोर्ट उनको मिला कि उनकी बेटी सकुशल घर वापसी कर पाई है। और ऑपरेशन अजय चलाने वाली भारत सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय का कोटि कोटि धन्यवाद। कैमरामैन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत रांची। हमें बंकर्स में जाना होता है, मतलब 1.5 मिनट में, पर इसराइल काफ़ी सेफ्टी की प्रिपरेशन थी इसराइल के पास, तो मतलब हमें दिक्कत आई, हम नर्वस थे, पर हमारे साथ हमेशा मतलब लोग जुड़े हुए थे, एमसी के लोग भी जुड़े हुए थे, एमबीसी के लोगों ने जो किया वो एकदम फिनोमिनल। भारत सरकार का कितना सहयोग रहा? उनका बहुत बहुत बढ़िया रहा, मतलब एम्बेसी बहुत अच्छी थी हमारी वहाँ पे। हमने जब भी हमें दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी आई, एम्बेसी हमेशा हमारे साथ खड़ी थी। और फिर अजय ऑपरेशन अजय लॉन्च हुआ और हम लोग यहाँ पे आए वापस और सरकार का पूरा पूरा सहयोग था। आपको पता है कितने भारत के छात्र फंसे होंगे अभी? मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर हर दिन फ्लाइट्स आ रही है, हर दिन 260-290 लोगों की फ्लाइट्स आ रही है, तो बस इतना ही। थैंक यू। आकर अपने घर आकर के कैसे? घर आके सबको अच्छा लगता है, किसको खराब लगता है। बहुत कोई रिसीव करने के लिए आपको पहुंचा है, निश्चित तौर पे एक इमोशनल पल भी है। हाँ, मतलब बहुत इमोशनल है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स आए यहाँ पे, मम्मी और मैं। धन्यवाद ही है, इसलिए कि हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन पिछले बार जब यूक्रेन का लड़ाई हुई उसमें जिस तरह से भारत सरकार ने, तो हम लोग एक बहुत भरोसा था कि मोदी सरकार जरूर लिफ्ट कराएंगे, उसी उम्मीद में हम लोग थे और वो उम्मीद हम लोग का पूरा हुआ। क्या करती हैं वहाँ, कब गई थी? वो गई थी 2022 का फरवरी में, मैंने 1.5 साल लगभग हो गई, वो PhD करने के लिए गई थी स्टेम सेल्स में, अभी काम कर रही है, मतलब लाइफ साइंस का स्टेम सेल्स में काम कर रही है। क्या फिर भेजेंगे शांति हो जाने? एकदम जरूर भेजेंगे शांति हो जाने से, इसलिए कि उसका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने उसको बहुत अफसोस था आने का, मैंने मजबूरी था आने का, इसलिए आई, नहीं तो हो सकता है नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।